ह्यूमिलिएशन नहीं हो रहा है, जब तक कोई, जब तक आपका मॉकरी नहीं हो रही है, जब तक आपका ह्यूमिलिएशन नहीं हो रहा है, जब तक कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है, आप यकीन मानिए आप कुछ खास कर भी नहीं रहे हैं। कोई भी बड़ी सफलता, कोई भी बड़ा नाम आप तब तक नहीं कमा सकते जब तक कि कैश ना होगा आपके साथ। जब तक आपका मॉकरी नहीं हो रही है, जब तक आपका ह्यूमिलिएशन नहीं हो रहा है, जब तक कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है, आप यकीन मानिए आप कुछ खास कर भी नहीं रहे। अगर आप कुछ खास करेंगे तो आपका मजाक उड़ेगा। और इसी में शामिल होता है फेलियर, ह्यूमिलिएशन, डिप्रेशन, ड्रग्स। एक बार फेल हो गए, डिप्रेशन में चले गए, ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। मेरा सीधा सा प्रश्न यह है, एक जिंदगी है, सिर्फ एक जिंदगी है आपके पास, और उसको आप डिप्रेस होकर जीना चाहते हैं तो आप जिए, कोई आपको रोकेगा नहीं आके। लेकिन चॉइस वो हमेशा आपकी होगी कि हमें वो जिंदगी कैसे जीनी है, डिप्रेशन में जीनी है या खुश होकर जीनी है, जिंदगी का सामना करके जीनी है। मेरा जो 20-21 साल का पुलिस में अनुभव रहा और पूरा जिंदगी का अनुभव रहा, इधर उधर पढ़ाई लिखाई का जो अनुभव रहा, मैंने यही सीखा कि कह सकता का जो मतलब होता है वो बिल्कुल सही है, कि जब तक आपको फेलियर्स नहीं होंगे तब तक आप बड़े सफल नहीं होंगे। आपको सब लोग सिखाते हैं बेटा ये करो तो आपको हम सक्सेस की टिप्स मिलेंगी। बहुत सारी बुक्स होती है ना कि हाउ टू बिकम मिलियनेयर, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एटसेट्रा। मेरा बहुत मन किया कि मैं किताब लिखूं, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बिकम फेलियर। फेल होना बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। अब आप लोग कहोगे यार ये तो जोश बुलाया था, ये तो निराश करने आ गया बंदा हमको, फेल होने की टिप्स दिखा रहा है। आप यकीन मानिए पास होने से ज्यादा फेल होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। और मैं बताता हूं सिमिलरली एक और मिथ है हमारे बच्चों के बीच में कि जिसके A+ मार्क्स आ रहे हैं, 99% मार्क्स आ रहे हैं, बस वही अच्छा करेंगे लाइफ में। ये एक मिथ है। अगर मैं पूछूं कोई से 10 नाम बता दीजिए तो अभी आप फटाफट बता देंगे 10 नाम। देखिए बहुत ज्यादा पढ़ोगे लिखोगे तो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ही बनोगे, मालिक तो वही बनता है। आप यकीन मानिए मेरे ख्याल से मैंने इनमें ज्यादातर चीजें कर रखी हैं। और उसके बाद कह रहा हूं आपसे कि ये आपको रोजी रोटी तो दिला सकते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं। ये रोजी रोटी का जुगाड़ तो सही है लेकिन सक्सेसफुल लाइफ नहीं। और अब हमारा देश और हम उस स्थिति में नहीं है कि हम रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ें। अब लड़ाई लड़नी है एक्सेलेंस के लिए, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ बनना है तो ये सक्सेस फॉर्मूला नहीं हो सकते। और अगर इन फॉर्मूला से अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो भाई नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। 1500 सक्सेसफुल लोगों की एक स्टडी हुई थी US में। उन्होंने क्या किया कि दुनिया भर के 1500 मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का रिजल्ट उठाया और उसमें यह था कि उनका बैंक में कितना बैलेंस है, लाइफ का बैलेंस कितना है, हेल्दी लाइफ है या नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, और करियर में कितना ग्रोथ किया है। और उन 1500 लोगों को उन्होंने प्लॉट किया उनके एकेडमिक स्कोर के साथ कि इनका एकेडमिक स्कोर कितना था। 1500 सक्सेसफुल लोग जो बहुत सफलतम लोग थे, 1500 उनका सक्सेस एक तरफ था और उनकी एकेडमिक स्कोर का क्या था, ये मैं चीज बताने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो उसका रिजल्ट ये निकला, मात्र 4% लोग ऐसे थे जो 99% वाले लोग थे, यानी जो A+ कैटेगरी के लोग थे, बाकी सब B, C, D- थे भाई साहब। इसीलिए अगर आपके ग्रेड B और C आ रहे हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं, 96% है।